नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका चिरपरिचित दोस्त दीपांशु वाजपेयी और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक एजुकेशन में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन वाली बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी लगती रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई से संबंधित कुछ ऐसी ट्रेडों के बारे में, जिन ट्रेडों से आप अगर आईटीआई करेंगे तो आप ऑफिशियल वर्क में जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आईटीआई के माध्यम से दो प्रकार की ट्रेडों में आपको कोर्स कराया जाता है, पहली इंजीनियरिंग ट्रेड और दूसरी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। दोस्तों, बात करने वाले हैं जिनसे अगर आप आईटीआई करेंगे, इनमें कुछ ऐसी विशेष ट्रेडें हैं जिनसे अगर आप आईटीआई करेंगे तो आपको ऑफिशियल वर्क में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आप जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अंग्रेजी या हिंदी। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है और आप इस ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल पास यानी दसवां उत्तीर्ण होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो एक वर्ष की होती है यानी दो सेमेस्टर आपको एक साल में कंप्लीट होने करने होते हैं, यानी एक साल की पूरी ट्रेड है, बहुत ही अच्छी ट्रेड है और आप इस ट्रेड से आईटीआई करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आईटीआई करें, इसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ इस ट्रेड के बारे में। इस ट्रेड में आपको हिंदी अथवा अंग्रेजी को सांकेतिक भाषा में लिखना और उसे टाइप मशीन में टाइप करने के बारे में जानकारी दी जाती है, जो कि ऑफिशियली तौर पे आपको ऑफिस में प्रयोग की जाती है। ऑफिस में आप किस प्रकार से आप शॉर्ट हैंड, जैसा कि ऑफिस में अक्सर होता है कि शॉर्ट में कुछ ऐसे शब्दों को, क्योंकि बड़े बड़े शब्दों को आप लॉन्ग तरीके से नहीं लिख सकते हैं, उनको आपको शॉर्ट तरीके से लिखने के बारे में जानकारी दी जा सकती है और आपको उसमें टाइपिंग के बारे में जानकारी दी जा सकती है, जो आपको स्टेनोग्राफी में आपको प्रयोग होती है। दोस्तों, इसमें सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी आपको दी बताई जाएगी। तो आप इस ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं और अगर इस ट्रेड से आप आईटीआई करेंगे तो आपको 12,000 से 35,000 तक की सैलरी आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप पा सकते हैं। इनमें आपको जॉब चांसेस की बात करें तो हर एक केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के हर एक डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी या अंग्रेजी की जॉब निकलती रहती हैं। तो दोस्तों, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो या फिर किसी भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की हो, तो आप हर जगह पे आप स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी या हिंदी से जॉब पा सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों अगर एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप 25,000 से 35,000 तक की सैलरी पा सकते हैं। अगर आप नॉन एक्सपीरियंस हैं तो आपको 8 से 20,000 की सैलरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों दूसरी ट्रेड हम बात करने वाले हैं वो है DTP यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। दोस्तों, DTP के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता दसवां उत्तीर्ण होना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप दसवां पास हैं तो आपके लिए DTP कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स हो सकता है, जिसकी प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष यानी दो सेमेस्टर, एक साल में आपको एक वर्ष में यानी 12 महीने में आपको दो सेमेस्टर पढ़ाए जाएंगे, यानी 6-6 महीने का एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। दोस्तों, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTP से आईटीआई करें तो सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इस ट्रेड के बारे में जानकारी लेना कि आखिर ये ट्रेड है क्या, कहाँ पे हमको जॉब मिल सकती है, कितनी सैलरी हमको मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तब कितनी सैलरी मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तब कितनी सैलरी, ये जानना। अगर DTP हो या कोई आईटीआई की अदर ट्रेड हो, किसी भी ट्रेड से अगर आईटीआई करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल जरूर आते हैं और ख्याल आने भी चाहिए, क्योंकि आईटीआई जो हम कर रहे हैं वो जॉब के लिए कर रहे हैं और जॉब किस में अच्छी तरीके से लग जाएगी, इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आईटीआई किस ट्रेड से करें जिससे हमको अच्छी तरीके से जॉब लगे, तो आप हमारे पुराने वीडियो को देखिएगा और आने वाले वीडियो में भी आपको हम ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हम DTP पे आते हैं। DTP दोस्तों, DTP के जिसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी कहा जाता है, सभी तरह के बैनर, कार्ड, किताबें, पुस्तक कवर,
मैनुअल, ब्रोशर आदि बनाने में कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग करना सिखाता है। संक्षेप में दस्तावेजों के लेआउट, डिज़ाइन, ग्राफिक्स आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एडोब फोटोशॉप और एडोब पेज मेकर और कोरल ड्रा के रूप में उपयोगी सॉफ्टवेयर के बारे में ज्ञान भी आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, DTP कोर्स से कई ग्राफिक्स और छवि संपादन नौकरियां आपको मिल सकती हैं। प्रकाशन घरों में यानी प्रिंटिंग प्रेस में, समाचार पत्र, कार्ड आदि में भी आप DTP प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती रहती है। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेड से ITI करेंगे तो आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब की बात करें तो आपको 10,000 से 20,000 तक की कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो दोस्तों आपको 22,000 से 35,000 की सैलरी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। बेहतरीन ट्रेड है, उभरती हुई ट्रेड है। आप हम राय देंगे ये कि आप इस ट्रेड से ITI कीजिएगा और अपना करियर बनाइएगा। दोस्तों अगली ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है प्री प्रिपरेटरी स्कूल मैनेजमेंट असिस्टेंट। दोस्तों, बिल्कुल ही नई ट्रेड है और इस ट्रेड से अगर आप ITI करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए शैक्षिक योग्यता 10वां उत्तीर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इसके लिए आपकी प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष यानी 2 सेमेस्टर, जैसा कि पिछले कोर्सों में थी वो ही है। 6 महीने में आपका 1 सेमेस्टर कंप्लीट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेड से ITI करना चाहते हैं तो इस ट्रेड के बारे में इस ट्रेड सहयोग की संबंधी कार्यों का ज्ञान आपको दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेड से ITI करेंगे तो आप जो स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें मैनेजमेंट की जानकारी आपको दी जाएगी और इसी के संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। अगर इसमें जॉब के बारे में बात करें, इसमें इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो आप प्राइवेट सेक्टर में आपको 10,000 से लेकर के 20,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। जहाँ तक हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर की अभी तो खैर वैकेंसी नहीं निकली है, नई ट्रेड है, नया स्कोप है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसके बारे में जानकारी लग जाएगी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी क्या क्या इसको स्कोप है। तो दोस्तों, अगर हम अगली ट्रेड के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसका नाम है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी। दोस्तों, अगर आप स्टेट से ITI करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप हाई स्कूल कर रखे हैं तो आप ये कोर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी से आप ITI कर सकते हैं। दोस्तों, जिसकी प्रशिक्षण अवधि बिल्कुल ही पिछले कोर्सों के जैसी 2 वर्ष 1 वर्ष, इसमें 2 सेमेस्टर आपके कराए जाएंगे। दोस्तों, इस ट्रेड के बारे में जानकारी ले लें, इसमें आपको कार्यालय संपद्धति का ज्ञान दिया जाता है। इसके साथ अंशोलिखित तथा टंकण का कार्य भी सिखाया जाता है। टंकण का कार्य भी आपको सिखाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है। इसकी जॉब अवसर भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। जहाँ तक हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी बहुत ज़्यादा ये मांगने वाली ट्रेड है, बहुत ज़्यादा जॉब देने वाली ये ट्रेड है। इस ट्रेड से अगर आप ITI करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी की प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा मांग हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जॉब इससे पा जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद कर आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो इस ट्रेड से ITI ज़रूर कीजिएगा और अपना भविष्य करियर बना सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में टिप्पणी के माध्यम से आप हमें जानकारी दीजिएगा और प्लीज़ लाइक हमारा चैनल कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और नोटिफिकेशन वाली बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे कि आप हम नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी अगले वीडियो के बारे में आपको जानकारी लगती रहे। अगर दोस्तों, अगर आप किसी भी विशेष ट्रेड से संबंधित जानकारी चाहते हैं या ITI के किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट यानी टिप्पणी में आप उस क्वेश्चन को लिखिएगा। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। तो दोस्तों, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।